जो इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, क्योंकि इससे पहले जो FIR लॉज हुई हुई हैं जिसमें इनका नाम कहीं भी सरफेस नहीं होता है, और जो कंपनीज़ उस FIR में अक्यूज्ड बनाई गई हैं उसके ये ना कोई डायरेक्टर हैं ना किसी चीज़ से पार्टनर हैं। तो एट प्रेजेंट जो माइनिंग सिंडिकेट जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मौजूदा कई मंत्री भी हैं और मौजूदा MLA भी हैं, और मैं जिस कंपनी का हवाला दे रहे हैं मैं 2013 में इसकी डायरेक्टरशिप छोड़ चुका हूं। ये भी कहा गया कि जो वक्का है वो ये अम्बाला कोर्ट का नहीं बनता, उसको लेकर क्यों? सोनीपत से गिरफ्तार सुरेंद्र पवार जो कि विधायक हैं कांग्रेस के, उनको अम्बाला ED कोर्ट में पेश किया गया। फिलहाल कोर्ट ने 9 दिन का उन्हें रिमांड दिया है। उनके वकील जो हैं वो हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पवार को आज पेश किया गया, क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में, सबसे पहले ये बताइए। जी, मेरा नाम महादेव महाराज सिंह है। आज सुरेंद्र पवार जी को ECR नंबर 19 जो कि 23 सितंबर 2023 को लॉज हुई थी उसके समक्ष, उसके एवज में इनको आज यहाँ पर पेश किया है। क्या कुछ हुआ जी आज कोर्ट के अंदर? आपने मेडिकल ग्राउंड की बात की, आपने ये भी बोला कि इलीगल उनको अरेस्ट किया गया है, क्या कुछ हुआ? जी सर, इस जो आज रिमांड एप्लीकेशन ED ने लगाई इसमें इन्होंने इनका 14 दिन का ED रिमांड मांगा था, उसके जिसको हमने बड़े स्ट्रांगली अपोज़ किया और हमने कोर्ट को असिस्ट किया कि जो इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है, क्योंकि इससे पहले जो FIR लॉज हुई हुई हैं जिसमें इनका नाम कहीं भी सरफेस नहीं होता है, और जो कंपनीज उस FIR में अक्यूज्ड बनाई गई हैं उसके ये ना कोई डायरेक्टर हैं ना किसी चीज़ से पार्टनर हैं, और इनका उन कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो इनका जो अरेस्ट है वो टोटली इलीगल है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ये भी कहा गया कि जो वक्का है वो ये अम्बाला कोर्ट का नहीं बनता, उसको लेकर क्या मुझे? जुरिसडिक्शन का इशू ये हुआ था कि भाई एक हमारे यमुनानगर से पूर्व विधायक हैं, उनको भी इसी ECIR नंबर 19 में अरेस्ट किया था और उनको अरेस्ट करके गुड़गावा पेश किया था, जिसको हमने अपोज़ किया कि भाई आप को क्यों उसको गुड़गावा पेश कर रहे हैं, तो इनको यहाँ अम्बाला क्यों पेश कर रहे हैं, क्योंकि जबकि ऐसी कोई ट्रांजिट का इशू भी नहीं है कि भाई इनको J&K से लाना हो, गुड़गावा पहुँच नहीं सकते, इसलिए इनको अम्बाला पेश किया जाए और इनको गुड़गावा से अरेस्ट करके अम्बाला ला रहे हैं, ये इशू बीच में जो है इन्होंने अपील भी की जज साहब से खुद की जो है वो मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। हाँ जी, इन्होंने हमारे थ्रू रिक्वेस्ट करी जज साहब से कि मैं 2 मिनट जज साहब के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। उसमें इन्होंने जज साहब के सामने बड़ा प्रार्थना पूर्वक अपना कहा कि भी जो एट प्रेजेंट जो माइनिंग सिंडिकेट जिसकी बात कर रहे हैं उसमें मौजूदा कई मंत्री भी हैं और मौजूदा MLA भी हैं, और मैं जिस कंपनी का हवाला दे रहे हैं मैं 2013 में इसकी डायरेक्टरशिप छोड़ चुका हूं, और मुझे टोटली पॉलिटिकली विंडिक्टिव प्रोसिक्यूशन के तहत मुझे आज पेश किया गया। CBI की जो है मांग की इन्होंने जज साहब को उन्होंने कही थी, उन्होंने पर्सनली कही थी, तो वो जज साहब ने कहा कि भी आप अप्रोप्रिएट फोरम के पास जाएं, हायर अथॉरिटीज जो हायर कोर्ट्स वगैरह हैं। फिलहाल कितना रिमांड? इन्होंने 14 दिन का मांगा था, हमने बड़ा स्ट्रॉन्गली अपोज़ किया, और इन्होंने ये भी हवाला दिया था कि भी गुड़गांव में जब दूसरे अक्यूज्ड को पेश किया था तो उनको 14 दिन का मांगा था, तो कोर्ट ने 14 दिन का ही दिया था, इसलिए हमें भी 14 दिन का दीजिए, लेकिन कोर्ट ने सारे ग्राउंड्स को देखते हुए 9 दिन का हवाला दिया। और एक एडिशनल जो हमारी कोर्ट से प्रेयर थी कि रोज़ आधा घंटा इनके काउंसिल को मिलने दिया जाए, कोर्ट ने उसको माना और कोर्ट ने टाइम फिक्स किया 9 से 10:30 के बीच में रोज़ाना इनके काउंसिल वहाँ ED ऑफिस में इनसे मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये महादेव थे, एडवोकेट थे सुरेंद्र पवार के, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि सुरेंद्र पवार ने बकायदा कोर्ट के अंदर जज के सामने 2 मिनट का समय मांगा, और उस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे नाजायज फंसाया जा रहा है। इस पूरे मामले की अगर CBI जांच होती है तो इस मामले में कई मौजूदा मंत्री और विधायक जो है उनके जो नाम है वो शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर अदालत ने उन्हें कहा कि आप जो है एक एप्रोप्रिएट फॉरम के ऊपर इसकी अपील करें। फिलहाल कोर्ट ने 9 दिन का रिमांड जो है इन्हें दिया है।